टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव परिणामों के नतीजे दिखाने में न्यूज 91 ने मारी बाजी, 3.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा सीधा प्रसारण। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की सभाओं का नहीं दिखा असर, चित्तौड़ में भाजपा की जमानत जब्त, मावली में भी मिली हार। और सरकारी कोटे से हज पर जाने वालों से मांगे आवेदन, 4 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भर सकते हैं फॉर्म। न्यूज 91 चैनल ने राजस्थान विधानसभा और उदयपुर संभाग की सबसे तेज नतीजे दिखाने में बाजी मारी है। न्यूज 91 चैनल ने राजस्थान विधानसभा और उदयपुर संभाग की सबसे तेज नतीजे दिखाने में बाजी मारी है। न्यूज 91 का सीधा प्रसारण देखने के लिए एक बार 6,500 से ज्यादा दर्शक जुड़े हुए थे। 9 घंटे में न्यूज 91 चैनल को देखने के लिए 3,35,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए और इन लाइव प्रसारण को देखा गया। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में न्यूज 91 की पूरी टीम जुड़ी हुई थी। इनमें शामिल थे अब्बास अली रिजवी, चंदन सिंह देवड़ा, चिरण प्रकाश जायसवाल, सैयद मजहर अली, हिमांशु सिंह हड़ा, अमानत अली, शेर अली, यूनुस खान, माधुरी शर्मा, नीलम कुमावत। न्यूज 91 टीम आने वाले समय में भी नवाचारों के साथ आपको सच्ची खबरें सबसे तेज पहुँचाने के लिए पूरी टीम प्रयास करती रहेगी। आपको इस सहयोग के लिए पूरी टीम आपका दिल से आभार प्रकट करती है। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। इन नतीजों में चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के गढ़ में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा की जमानत जब्त होने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के इनाड़ी इनादी सिटी सेंटर में हुई योगी आदित्यनाथ जी की सभा भी कमल नहीं खिला पाई, ना ही योगी जी की सभा में मावली में भाजपा में भाजपा को मावली सीट पर जीत दिलाने में अपना कमाल दिखाया। भाजपा को यहां सबसे बड़ा नुकसान भाजपा के बागी कुलदीप सिंह चुंडावत ने पहुंचाया। वे आरएलपी से चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था। संभाग में सबसे कम वोटों के अंतर से कांग्रेस ने यह सीट जीती है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटकर भाजपा ने नरपत सिंह रावजी को टिकट दिया था। नरपत सिंह रावजी भी चित्तौड़ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसके बावजूद वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इसको लेकर आकिया का कहना था कि नरपत सिंह रावजी ने कार्यकर्ता को डराया धमकाया, इसके बावजूद उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आकिया ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। जनता की आम कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि पार्टी ने तो मेरे को टिकट नहीं दिया और जनता ने मेरे को टिकट दिया है। जनता की जीत है, इसलिए मेरी कोई जीत नहीं है, जीत कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी, रात दिन सोए नहीं। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके चुनाव को जिताया है और चुनाव जिताने का श्रेय इन कार्यकर्ताओं को है। और मैं उन सब लोगों पर, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मैं ये वादा जरूर करता हूँ उनके विश्वासों पर 100% खरा उतरूंगा और उनके हर कदम पे साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है वो वास्तव में बड़े नेता है। मुझे भी खेद है कि जमानत तो जब्त उनकी नहीं होनी चाहिए, पर जो जमानत जब्त हुई है उन्होंने आते ही धमकाया कार्यकर्ताओं को, ये देख लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। इन सब बातों पर आखिर नीचे तक जनता तक पहुंचा है और बहुत बड़ा दुखी घड़ी है। मैं कार्यकर्ताओं को, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को जिन्होंने वोट दिया है, मेरे पे विश्वास किया है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना पर और छत्तीसगढ़ कौम ने साथ रह के मेरा साथ दिया। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। हज
कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2024 के लिए हज पर जाने वाले हज यात्रियों से आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी कोटे से हज पर जाने की इच्छा रखने वाले आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तारीख का ऐलान कर दिया है, जो इच्छुक व्यक्ति 4 दिसंबर सोमवार से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कोटे से हज पर जाने वाले वे ही व्यक्ति हज यात्रा के लिए आवेदन कर पाएंगे जिनके पास वैध पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होगी। इसके लिए आवेदन 4/12/2023 से 20/12/2023 तक भरे जाएंगे। राजस्थान में पूर्ण बहुमत हासिल होने के चलते भाजपा प्रत्याशी में जीत को लेकर अलग उत्साह था। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से 115 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है, जबकि 69 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। उदयपुर संभाग से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ता को दिया है। राजसमंद जिले की 4 सीटें भाजपा के खाते में गई है, जबकि उदयपुर की 6 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। पहले सुनिए उदयपुर जिले की विधानसभा सीटों से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं की वजह से मिली है, इनका आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का। देखो वल्लभ नगर की मतदाता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है। जब मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो मैं 3रे नंबर पे था, और मुझे 2021 में 22 चुनाव किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे जोश दिया और चतुर्कोणी शिखर से भी दूसरे स्थान पर रखा। देखो वल्लभ नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी में देखा जाए तो एक नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे एक विरासत की राजनीति रही है, एक राज परिवार की राजनीति रही है। तो किसी ने भी वल्लभ नगर विधानसभा में रोजगार और किसानों पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक किसान परिवार से हूँ, निश्चित रूप से किसान हित और बेरोजगारों के लिए रोजगार की पूरी कोशिश करके रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। देखिए ये जीत जाडोल की जनता की और कार्यकर्ताओं की है। इन लोगों ने सबने मेहनत किया और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी की योजनाओं को लेकर के जनता में जिस प्रकार का भरोसा था, उस जनता ने भरोसा करके हम सब लोगों को जीता करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अशोक गहलोत के राज में जिस प्रकार से युवा दुखी था, महिलाएं दुखी थी और किसान दुखी था, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया उसका ठीक नहीं था, जिसका परिणाम अभी सामने है। गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाना काम करेंगे, क्योंकि अब देखना शपथ लेने के बाद में काम चलेगा तो पता लगेगा। के बारे में जीत गए और क्या कहना है, जनता ने जीता दिया वोटर। प्रमुखता आप विचार करेंगे क्या करना है। हम पहले से निश्चित थे कि हमारी जीत होगी, और हमारी जो विधानसभा के सभी मतदाता एवं कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग भी किया, इस वजह से मैं पूरा आश्वस्त था कि भाई मेरी जीत पक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी किसी भी हमारे जो साथी है उनको जिम्मेदारी देंगे तो पूर्ण रूप से उसको निभाएंगे, और हमारे जो उदयपुर पूरा जिला है, संभाग है, उसके जो भी विकास के काम अपना हो सके उतना पूरा प्रयास करेंगे। जिम्मेदारी तो सबकी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और सभी पदाधिकारियों की और जनता की रही। मैं बिल्कुल हमारे जो विधानसभा के सभी कार्यकर्ता एवं जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 3री बार मुझ पर भरोसा किया, और आने वाले समय में हम उसके पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे सबसे पहले तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जी जान से इन्होंने काम किया। मैं सब मावली के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हार जीत होता रहता है, हार जीत से कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो विकास की बात है मावली में, जो अच्छे काम है, जो कुछ मेरे से हो सकेंगे वो काम कराएंगे। अब तो जाएंगे जो विकास करेंगे, अभी क्या विकास करें। मावली में पेयजल की समस्या रहती है, इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। विकास तो पिछले 5 साल से जो विकास की गिरावट आई है उसको पूरा हम कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरे राजस्थान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पूरा करेंगे। 13 से 18 में खूब काम किया, सारे रोड़े मेरे जैसे कलर के बना दी, ध्यान है ना। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बजट की भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो चाह। लेकिन कई पंचायतों में बजट रुका हुआ है, ठेकेदारों का पैसा रुका हुआ है, ये सारी बातें बिल्कुल राजस्थान के उसमें सरकार में रखेंगे और काम करेंगे। ये थे उदयपुर जिले से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी। आइए आपको लिए चलते हैं राजसमंद जिले की ओर। राजसमंद की सबसे हॉट सीट
नाथद्वारा विधानसभा से जीत हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह से सुनिए जीत को लेकर उनका क्या कहना है। और मैंने सुना है कि राजसमंद में सब सीट बीजेपी के आए, अभी तक तो मैं काउंटिंग रूम में था, तो बाकी के सीट भी आए हैं। मेवाड़ में दूसरे सीट भी आ गए, तो सर्वाधिक आए तो मेवाड़ का महत्व तो रहेगा। आइए सीधे रुख करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर की चार विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर क्षेत्रीय पार्टी ने कब्जा जमाया है, दो सीटें भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीती है, जबकि एक पर कांग्रेस और एक सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। सुनिए डूंगरपुर जिले से जीते हुए प्रत्याशियों का क्या कहना है। क्या कहना है आपका और क्या संदेश है जनता के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं 84 की जनता को खूब खूब धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, 84 के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, 84 के आम जनता की जीत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछली बार भी 84 के जनता ने एक इतिहास रचा था 2018 में, कि 200 विधायक में से सबसे कम उम्र का विधायक 84 की जनता ने मुझे जिता के भेजा था। और इस बार भी 84 की जनता ने राजस्थान के अंदर इतिहास रचा है। लगभग 65,000 के आसपास की लीड से हम लोग जीत रहे हैं और इसके लिए मैं 84 की जनता को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना थी, आम व्यक्ति को धर्मपुर पहुंची, ये भी जनता ने देखा, पूरी जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है। और आम जनता ने, आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की, ये सच्चाई की जीत है। मतलब सच्चाई, सच्चे व्यक्ति को परेशान किया जा सकता, लेकिन जो कहते हैं ना सत्य की विजय होती है, तो आज डूंगरपुर में सत्य की विजय हुई है। बोले कौरव कितने, सब एक हो गए कौरव, लेकिन पांडव थे, लेकिन इधर से मैं सिर्फ अकेला था, वहाँ तो 5 पांडव भी थे, लेकिन डूंगरपुर सीट से गणेश गोगरा अकेला था और मेरी सेना थी, मेरे कार्यकर्ता थे। विधानसभा में जो 70-75 साल में जो काम नहीं हुआ, इस बार 5 साल के अंदर नया परिवर्तन करेंगे और नया विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, किसी भी प्रकार की बात हो वो पूरी करूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। किसी पार्टी ने कोई संपर्क नहीं करा था, मैंने अपने खुद के, अपने जो BAP भारत आदिवासी पार्टी के खुद के अपने दम पे चुनाव लड़ा था और हम किसी पार्टी से कोई हमारा मिला नहीं। भाई साहब, मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था भारतीय जनता पार्टी से, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से। सरकार बन रही है भाजपा की, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? सुशासन देंगे, सरकार बन रही है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अचानक एक दीवार गिर जाने से हादसा हो गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 3 कारें और दोपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा एक खाली प्लॉट के आसपास बनी हुई दीवार ढह जाने से हुआ। इस हादसे में कारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हादसे की ये तस्वीरें उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र की है। सोमवार सुबह एक खाली प्लॉट पर बनी हुई दीवार ढह जाने के चलते इस दीवार पर सटाकर खड़ी की गई कारें और एक दोपहिया वाहन दीवार के मलबा गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें 3 कारें और एक दोपहिया वाहन शामिल है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव परिणामों के नतीजे दिखाने में न्यूज 91 ने मारी बाजी, 3.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा सीधा प्रसारण। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की सभाओं का नहीं दिखा असर, चित्तौड़ में भाजपा की जमानत जब्त, मावली में भी मिली हार। और सरकारी कोटे से हज पर जाने वालों से मांगे आवेदन, 4 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भर सकते हैं फॉर्म। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार, ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।